Shri Guru Bhyo Nama, Shri Matre Nama. Modi Ji ko main pranam karke main vinamrata se kuch baat kehna chahta hun ye media se. Aap jo nirnay liya hai wo bahut acche hain, desh ko badhane wale hain aap. Aapke bina abhi ye desh nahi chal sakta hai. Itna taakat aapke paas hai. Puri desh ko chalane ka taakat aapke paas hai. Aap jo nirnay abhi le raha hai usse desh ka kirti aur pratishth badhne wale hain. Magar किसानों के लिए क्या-क्या करना चाहिए हमारी तरफ से आपको ये विनती आप जरूर ये वीडियो देख सकते बोल के हम सूचना कर रहे हैं मैं हूं प्रदीप जोशी ज्योतिष शास्त्र पंडित हूं मैं ज्योतिष शास्त्र में रिसर्च भी किया है और सनातन धर्म शास्त्र में अर्थशास्त्र इत्यादि भी पढ़ा मैंने पूरे पुराण का शास्त्र भी ज्ञान है इससे मैं भारतीय किसानों के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि जय जवान जय किसान हमारा भारत का निनाद है जब किसान और जवान दोनों भी तंदुरुस्त रहे तो दोनों स्ट्रांग रहे तो हमारी देश शक्तिमान होती है उसके लिए किसान के लिए आप क्या करना चाहिए हमारी विनती आप तक पहुंचाते बोल के सोच के मैं आपको ये विनती कहां रहूं आप किसानों को सभीयों को एकत्र कीजिए 100 एकड़ को एक यूनिट बनाइए मींस हर एक किसान को किधर उन किसान नुकसान हो रहे हैं बोले तो इन्वेस्टमेंट करने में नुकसान हो रहे उसको खेत को ठीक करने के लिए वो ट्रैक्टर चाहने पड़ते हैं वो ट्रैक्टर को रेंट देना पड़ता है उसको पैसे देना पड़ता है और उसके बाद में उन्हों बीज लेना पड़ता है वो बीज के लिए उन्हों पैसे देना पड़ता है उसके लिए उसको सेव करने के लिए उन्हों प्रोटेक्शन के लिए फिर दवाई करना पड़ता ये सब करने के बाद उसको सेल करने में उसको तकलीफ आ रही इतना प्रॉब्लम्स किसानों का आ रहे ये किसानों की प्रॉब्लम्स आप सोच के पहले एक काम कीजिए किसानों की पूरी 100 का एकर को एक यूनिट बनाइए एक के पास 5 एकर है और एक उसकी बाजू के खेतों में दूसरों को 10 एकर है दूसरों को 1 एकर है कोई दिक्कत नहीं है एक प्रोग्राम बनाइए पूरी यूनिट बना दीजिए यूनिट बनाने के बाद हर एक किसान को एक ट्रैक्टर मुफ्त में दे दीजिए एंड मींस 0% इंटरेस्ट में ईएमआई बनाने के लिए यूनिकली आप ट्रैक्टर खरीद के किसानों को ट्रैक्टर्स दे दीजिए उसके बाद में किसानों वो ट्रैक्टर से बहुत कमी पैसों में वो डीजल डाल के वो खेत को वो 100 एकड़ खेत को वो सभी यूनिट बना के संभाल सकते हैं उसके बाद में जो बीज रहते हैं ना जैसे एटीएम मशीन से हमको पैसे आते हैं जैसे सभी किसानों को उसकी उसकी शक्ति से उसकी जो कितना खेत है कितना एकड़ है वो यूनिट की वजह से वो यूनिट के नाम से उन लोगों को बैंक में एक अकाउंट बना के मीन्स उसकी जॉइंट अकाउंट बना के उन सब लोगों को एक कार्ड दे दीजिए वो यूनिट में कि क्या रखना चाहते हैं कौन सी बीज रखना चाहते हैं वो बीज एटीएम की तरफ से जैसे एटीएम कार्ड से हम पैसे निकालते जैसे एटीएम से ही उन लोगों को वो मशीन से उन लोगों को बीज आना चाहिए ऑटोमेटिकली वो पूरा आना चाहिए उसका थंब प्रिंट डालते ही उसके चेहरा देखते ही पूरा आ जाना चाहिए वो आने के बाद वो आराम से बीज डाल सकते हैं क्योंकि ये रईतों को किधर नुकसान हो रहे है बोले तो डुप्लीकेट जो बीज सीड्स दे के रईतों को नुकसान हो रहे उसके लिए गवर्नमेंट ही सप्लाई करना चाहिए जो सीड्स ओरिजिनल है ये सीड्स कंपनी को सब कंपनी को बंद करना चाहिए किसानों को सब लोगों को जो सीड्स होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही देना चाहिए वो गवर्नमेंट शुड हैव टू डिसाइड विच सीड्स दे हैव टू ग्रोथ गवर्नमेंट डिसाइड करना चाहिए ऐसा करके उन लोगों को आप उन लोगों को सलाह दीजिए सूचना दीजिए उसकी क्षेत्र में सॉइल में कौन से अच्छे आ सकता है उसके बाद में जो कीटकनाशन का जो ये हैं जो मेडिसिन है जो दवाई है वो पूरा गवर्नमेंट ही सप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट सप्लाई करने के बाद जो वैसे भी जैसे एटीएम की तरफ से वो कितने कितने यूनिट्स ले रहे दवाई वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए वैसे ही खेत सब होने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट मीडिएटर रह के सभी जो धान्य आता है वो पूरा धान्य को गवर्नमेंट खरीद करने में डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम लेके आना चाहिए हर एक 1000 एकड़ को एक यूनिट बना के एक कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए एक निर्माणात्मक बना दीजिए जो खेत का जो धान्य है उसमें सेव कर सके उसके बाद में गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करे गवर्नमेंट डायरेक्ट जो फैक्ट्री वालों को डायरेक्ट का मार्केटिंग टीम से बना के गवर्नमेंट से ही एक मार्केटिंग टीम बना के उन लोगों को सेल करने के लिए कोशिश करवा दीजिए
इसे डायरेक्ट वो कैश भी उसके अकाउंट में ही आना चाहिए. उसके अकाउंट में आने के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर जो जो खर्च किया है वो खर्च ऑटोमेटिकली उसमें रिड्यूस होना चाहिए. उसके बाद में जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट पूरा किसान लेना चाहिए. ऐसे एक अच्छे योजना से एक योजना बनाइए. रईतों को किसान को अच्छे होना चाहिए. जब किसान अच्छे हो गया तब देश भी बहुत बढ़िया होता है. किसान नहीं मरते. इधर तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में बहुत सारा किसान मर रहा है. किसानों को जीने के लिए हक है. कोई भी नहीं सोच रहे मैं व्यवसाय करूंगा किसान करूंगा बोल के. कोई भी नहीं सोच रहे. सब सोच रहे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाऊंगा. सब सोच रहे मैं इंजीनियर बनूंगा वो बनूंगा वो बनूंगा. मगर कोई भी नहीं सोच रहे मैं किसान बनूंगा. आप देश में ऐसा व्यवस्था लेके आइए सब लोग किसान होना चाहते हैं. ऐसे व्यवस्था लेके आइए. किसानों को एक सिस्टमेटिक बनाइए. उसकी ट्रांजैक्शन पूरा एक सिस्टमेटिक बनाइए. ऐसे करें तो किसान को आप सेव कर सकते. उससे आपकी कीर्ति आचंद्र तारार्क भी रहता है. जय हिंद. जय मोदी जी.